नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री पाठक आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जो कॉमन क्वेरीज होती हैं या कॉमन प्रश्न होते हैं जो आपके जहन में रहते हैं, उनको सॉल्व करने, उनके बारे में मिथ हटाने और उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले है, इनफर्टिलिटी क्या है? क्या हम इनफर्टाइल कपल हैं? क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या हमें इलाज की ज़रूरत है, और अगर है तो कब जाना चाहिए? तो इनफर्टिलिटी हमारे डेफिनेशन में उन्हें कहते हैं जो कपल्स आफ्टर वन ईयर ऑफ रेगुलर रिलेशन कंसीव नहीं कर पाते हैं, उनको एक डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग जस्ट मैरिड यंग वुमन लेस देन 30 ईयर्स, शायद रेगुलरली रिलेशन हुआ ही नहीं है, कपल कहीं अलग अलग रह रहे हैं, हस्बैंड अलग रह रहे हैं, हो सकता है इन्हें इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर एक साल से ज़्यादा हो गया है तो आप एक डॉक्टर के पास जाइए जो आपको सही राय, फर्टाइल पीरियड, कब संबंध करना है, ये ज़रूर बताए। दूसरे हैं जो कारणवश लेट मैरिज हुई है, मोर देन 30 है, यस अ वुमन मोर देन 35 विद इन 6 मंथ्स ऑफ रिलेशन मैरिज हैज़ टू विजिट अ डॉक्टर एंड शुड विजिट अ डॉक्टर, बिकॉज आफ्टर एज एक लेडी की बॉडी में कई चेंजेस आते हैं जिनके वजह से फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इनको जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर ये है तो हमें क्यों? आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हो गई हैं। जो चीज़ आज से 30 इयर्स पहले नहीं थी, अब वो आ गई हैं, जिसमें से हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारे खाने पीने का ढंग है, बहुत पोल्यूशन है, हमारा वेट गेन है, हमारे ईटिंग हैबिट्स हैं, ये ऑल सब कुछ सब टोटल करके ये इनफर्टिलिटी बढ़ा रहा है। और एक कारण है कि आजकल स्ट्रेस लाइफ में बढ़ गया है, पहले पढ़ाई का स्ट्रेस है, फिर जॉब का स्ट्रेस है, फिर सेटलमेंट का स्ट्रेस है। ये कपल में दोनों लोगों को है, वाइफ को भी है, हस्बैंड को भी है। और एक कारण है कि आजकल हमारी विमेन एम्पावर हो रही हैं, दे आर एजुकेटिंग देम सेल्व, दे आर गोइंग टू हायर पोजिशंस, दे वॉन्ट टू सेटल बिफोर गेटिंग मैरिज। तो इन कारणों से लेडीज़ की एज बढ़ रही है शादी के समय, और डेफिनेटली फर्टिलिटी भी डाउन हो रही है। तो ये मुख्य कारण है। इसके अलावा कैसे पता चलेगा कि हमें क्या कारण है? तो ये जब आप किसी नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट या एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को विजिट करते हैं, तो वो कॉमन टेस्ट कराते हैं जो पति में भी हो सकते हैं, पत्नी में भी हो सकते हैं। पति में मोस्ट कॉमन उनका सीमन होता है, जिसको जांच के लिए भेजा जाता है। और एक ये बहुत सिंपल सा सीमन एनालिसिस है, जो कि आइडियली आपको एक अच्छे सेंटर में कराना चाहिए, क्योंकि ये एक टेस्ट बहुत छोटा ज़रूर है, मगर ये आपको गलत राय दे सकता है। इससे हमें पता चल सकता है कि उनके शुक्राणु कम हैं, ज़्यादा हैं, तेज चलने वाले नहीं हैं या हैं ही नहीं। तो इसके बाद ही मेल्स में कुछ अन्य टेस्ट होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, जिसमें कि कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं, या सुई की जांच हो सकती है अगर स्पर्म्स नहीं मिलते हैं, तब उनके टेस्टिकुलर बायोप्सी। इसके बाद विमेन में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन उनके अंडे बनने की प्रक्रिया कैसी है, जो कि हम एक अल्ट्रासाउंड द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड हमें एक लेडी के बारे में बहुत चीज़ें बताता है, जैसे कि उनके अंडे कैसे बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, कब समय में फट रहे हैं, बच्चेदानी कैसी है, उसमें झिल्ली कैसी है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। और बेसिक ब्लड टेस्ट से किया जाता है शुरू, जिसमें से थायरॉयड और प्रोलैक्टिन कॉमन टेस्ट कराए जाते हैं। इसके बाद ही एक लेडी में और टेस्ट होते हैं, जैसे कि ट्यूबल पोटेंसी टेस्ट। और अगर इन सब दिक्कतों में कुछ आता है, आपको लगता है कि इसके बाद निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, या ट्यूब में एक बंद या दोनों बंद आती हैं, तब आपको लैप्रोस्कोपी के बारे में बताया जाता है, जो कि एक दूरबीन की जांच है।
ये ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी भी हो सकती है, ये सिर्फ डायग्नोस्टिक भी हो सकती है. डायग्नोस्टिक जब हमने सिर्फ पता लगाना है कि भाई दिक्कत क्या है, ट्यूब्स खुली हैं नहीं खुली हैं या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. मगर अधिकतर क्या होता है कि अगर कोई दिक्कत पता चलती है तो हम उसे उसी वक्त करेक्ट करते हैं, और जब हम करेक्ट करते हैं तो उसे ऑपरेटिव कह देते हैं. जैसे सिस्ट है तो सिस्ट निकालते हैं, चॉकलेट सिस्ट है तो उसको निकालते हैं, एंडोमेट्रियल स्पॉट्स हैं तो उसको फल्ग्यूरेट कर देते हैं, ट्यूब्स को खोलने की कोशिश की जाती है, तो ये ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी होती है. दूसरी चीज़ होती है गर्भ के अंदर देखना. अधिकतर गर्भ हमें अल्ट्रासाउंड से ही यूट्रस दिख जाता है, मगर अगर अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ हैं इनफर्टिलिटी के और आपको झिल्ली कम दिख रही है या आपको कई इलाज के बाद भी बच्चा नहीं चिपक रहा है IVF में या एबॉर्शन हो रहा है, तो हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ती है, जो कि एक दूरबीन की जांच गर्भ के अंदर की है. इससे हमें और भी चीज़ें पता चलती हैं कि कोई सेप्टम तो नहीं है, कोई ट्यूबकुलर स्पॉट्स तो नहीं है जिन्हें हम करेक्ट कर सकते हैं. इससे तो हमें कॉज पता चल जाएगा और एक डॉक्टर आपको सही इलाज क्या है वो बताएगा. अब इलाज में क्या है, हो सकता है कोई इलाज आपको एज सच नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक फर्टाइल पीरियड की काउंसलिंग चाहिए, आपको सिर्फ कुछ गोलियां चाहिए, अंडे बनाने वाली अल्ट्रासाउंड चाहिए और रिलेशन कब करना है चाहिए. इसको हम कहते हैं ओवुलेशन इंडक्शन एंड टाइम इंटरकोर्स. दूसरी प्रक्रिया होती है IUI, जिसमें कि हम स्पर्म्स को वॉश करके गर्भ के अंदर डालते हैं. ये कई लोगों में कारण होता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन मेल फैक्टर जिसमें स्पर्म्स कम है या कम चलने वाले हैं उनमें कारगर होता है, या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है जिसमें कोई कारण नहीं है मगर फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो एक IUI पेटेंट ट्यूब के साथ किया जा सकता है. अगर ये भी नहीं होता है तभी आपको एक डॉक्टर IVF सजेस्ट करता है, जिसके भी अब बहुत इन्हांसमेंट्स हो गए हैं, ICSI आ गई है, IMSI आ गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकतर मेरे से पूछा जाता है कि एज सच हम दोनों में भी कोई कारण नहीं निकला मगर हमें बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो मैं हर ऐसे कपल्स को बताना चाहूँगी कि देखिए इसको ऐसी ही एंटिटी को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोला गया है. कई बार कोई कारण नहीं निकलता मगर शायद किसी कारणवश अंडे और स्पर्म या जैसे एग या स्पर्म की मीटिंग नहीं हो पाती या प्रेगनेंसी हो रही है वो चिपक नहीं पाती, इसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहा गया है. और शायद इसीलिए इसको नाम दिया गया बिकॉज 30% ऑफ कपल इनफर्टाइल कपल्स हैव अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, और इन्हीं में IUI बहुत कारगर है, बहुत सक्सेसफुल है. तो आप इस कारण में मत जूझिए, पहले इलाज कराइए, क्योंकि उम्र निकल गई तो लेडी के लिए भी असरदार होती है ये उम्र और मेल्स के लिए भी रहती है. अंत में मैं यही सबको बताना चाहूँगी कि सही समय पे आप अपने डॉक्टर से सलाह लें. आजकल हर प्रकार का अत्याधुनिक इलाज और सिंपल इलाज जिसमें कि ना आपको स्ट्रेस है, ना हस्बैंड को स्ट्रेस है, ना फैमिली को स्ट्रेस है, वो भी अवेलेबल है. सिर्फ आपको एक डॉक्टर के पास जाना है और सही सलाह लेनी है. सलाह लेनी है, डिसीजन आपको ही बनाना है. सिद्धि यूरोगाइनी में हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको सही सलाह दें और आप उसे डिसाइड करें कि आपको क्या करवाना है, आपको कौन सा इलाज लेना है. थैंक यू.